गुम है किसी के प्यार में सीरियल में ईशान और रिवा की शादी को रोकने के लिए और सभी और ईशान की शादी करवाने के लिए शांतनु और ईशा इंडिया वापस आने का फैसला ले चुके हैं। ऐसे में जब ईशा और शांतनु इंडिया वापस आएंगे तब क्या कुछ होगा और सीरियल में ईशा और शांतनु क्या करते नजर आएंगे और ईशान को लेकर भी जो अच्छी खबर आ रही है वो क्या है, इन सारी बातों को हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया था, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले तो ईशा और शांतनु मिलकर रीवा और ईशान की शादी को तोड़वाते नजर आएंगे और भोसले परिवार के ने ये साबित कर देंगे कि ईशा और सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन सीरियल में ईशान और सभी की शादी से पहले बहुत बड़ा हादसा होता नजर आएगा जहां भोसले परिवार के मेंबर की जान जाती नजर आएगी, लेकिन ईशान के किरदार को सस्पिशियस तरीके से गायब किया जाएगा। इसलिए जो इन दोनों खबर चल रही है कि ईशान का किरदार नजर नहीं आएगा उस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेकर्स कुछ टाइम बाद ईशान के किरदार को फिर से इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं। ईशान का किरदार सीरियल में रहना चाहिए या नहीं कमेंट में आप जरूर बताएं, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह इस टीवी सीरियल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।